साल हो गए हैं फिर से, मैं भी बड़ी कान के बहुत करीब से भाई माँ कसम फटे ऐसा हो गया था, मतलब फटे इतना भी दिखाता हूँ। तब मार्क और कुछ कैमरामैन कार टूटने की आवाज सुनकर जाग गए थे, वो भी कैम के बहुत करीब से। भाई माँ कसम फटेगी ऐसा हो गया तो मजाक नहीं कर रहा, इस जगह में तो फटेगी जितना भी। मैं तो हेलीकॉप्टर बुलवा के सीधा वापस घर फटेगी भाई भाई खतरनाक। जिससे हम सब सोच में पड़ गए कि क्या हम इस सिटी में सच्ची में अकेले थे। वो क्या था? अभी अभी कांच टूटने की आवाज आई, मुझे लगा मैंने कुछ देखा। डराने आवाजों के साथ ही ये पहला शेल्टर सोने के लिए कुछ ज्यादा ही हवादार था। तुम्हारी नींद कैसी थी? बेकार। तो अच्छी तरह से सोने के लिए जान गए, हमने ब्रेकफास्ट किया और नया शेल्टर ढूंढने की तैयारी की। ये पहली बार है जब मैं ब्रेकफास्ट में चिली खा रहा हूँ और मैं इतना भूखा हूँ कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा है। क्राफ्ट के बाद पहली बार मैं कैन चिली खाने के लिए इतना एक्साइटेड कभी नहीं था, शायद मेरा दिमाग वो भूल गया है। थैंक यू। तो एक पौष्टिक ब्रेकफास्ट के बाद हमने हमारा ड्रोन निकाला ताकि अनदेखी काश के काल इस चैलेंज के बारे में बदल जाए, हमको अच्छा लोंडा मिले भाई, अच्छा ट्रांसजेंडर लोंडा नहीं चाहिए। पौष्टिक ब्रेकफास्ट के बाद हमने हमारा ड्रोन निकाला ताकि अनदेखी बिल्डिंग्स में सस्ते पर गया ना, फिर से बोर्ड पे क्या लिखा था, हम एक नया शेल्टर ढूंढ सके। हमने उस बिल्डिंग को नहीं देखा है, उन होटल्स को नहीं देखा है, वही तो प्रॉपर भाई इतना बढ़िया लोकेशन है, लोग यहाँ पर रहते नहीं भाई, यहाँ पर पूरा सोसाइटी बस सकता है। शहर वाली सिटी है। स्कैन करने के बाद हमें दिखाई दिया एक अनएक्सपेक्टेड मेहमान, वो तो एक बिल्ली है, एक बिल्ली है। उनको उसके बगल में लैंड करने वाला हो। देखो वो ये शॉट देखो, देखो वो कैमरा को सूख रही है। इस बिल्ली को जरा भी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। हम इस बिल्ली को एक्टिंग के पैसे नहीं दे रहे, बिल्ली के साथ खेलने में मजा तो आ रहा है पर शेल्टर पर फोकस करना होगा क्योंकि रात में बहुत ठंड होगी। तो हम चैलेंज के लिए शेल्टर ढूंढने के सफर पर निकल पड़े। कितना बड़ा जगह है वो, ये बहुत बड़ा लग रहा है, मतलब अलग ही है। मेरे को लग रहा है इसमें एक सेट तो नहीं बनवा लिया। नहीं, ये घर ना टूटे हुए, छत सब टूटा हुआ है, ऊपर फूटा हुआ है, तो घर गिर जाएगा ज्यादा रहने से। ये क्या है? नहीं बाहर टेढ़ा दिख रहा है, ये बहुत खूबसूरत है। ये भले ही बहुत बदसूरत है लेकिन कुछ तो है जो इसे बहुत ही खूबसूरत बना रहा है, ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स जैसा खूबसूरत। हाँ बिल्कुल सही कहा। रुको, क्या वो एक पूल है? ये क्या है? ये कितना भयानक है। सुन दिनो, ये कुछ इस तरह लग रहा है, स्विमिंग पूल है बट ये पूरा वो कचरा हो चुका है। भाई अभी पानी उसमें, देखो भाई भाई ये ना मतलब क्या लग्जरियस जगह हुआ एक टाइम पे, क्या बोलते हैं, बहुत खतरनाक यार, कितने पैसे बर्बाद हुए होंगे सोचा था। और इतने सालों के इसे अबैंडन करने के बाद सड़ने पर ये कुछ इस तरह दिखता है। रुको, यहाँ पर एक सॉकर फील्ड है, एक स्पोर्ट कोर्ट। क्या वो एक सॉकर बॉल है? ओह बेकार शॉट था, आई एम श्योर इट्स सॉकर बॉल। इनको बॉल मिल गया बे पुराना, वो देख। हाँ यार वही मैं बोल रहा हूँ, बॉल मिल गया भाई। ये हवा वाला बॉल नहीं होता ना, स्पंज वाला बॉल है, वरना हवा वाला बॉल तो अब तक बिगड़ चुका होता। इधर अच्छा क्रिकेट का बॉर्डर से देख रहे हैं, क्रिकेट का विकेट ऐसे बैठा है, एप्पल भी बना हुआ है पीछे। एप्पल बना हुआ सच, वो ये लोग तो उसका है ना, ये उसका है, क्रोएशिया का झंडा है वो पीछे। नहीं मेरे को डर, अरे मैं फुटबॉल देखता हूँ ना, क्रोएशिया है, लुका मॉड्रिक शायद से। हाँ की उम्र मुझसे ज्यादा होगी, यकीनन इसकी उम्र हम सबसे ज्यादा होगी, पर मार्क्स वो हैवी मेटल भाई, मेटल के फैंस थे वहाँ पर। ज्यादा नहीं, वो ज्यादा बूढ़ा है। हमारे पास अभी दो ऑप्शन है, इस बढ़िया से टनल से जाकर हम पड़ोस वाली जगह देख सकते हैं, या फिर क्योंकि अभी सिर्फ एक ही घंटा बाकी है तो यही पे तैयारी करते हैं और ठंड से बचते हैं। वो जरूरी है, एक अच्छा आइडिया लग रहा है। सही कहा। और पूरा दिन एक नया शेल्टर ढूंढने में बिताने के बाद मुझे लड़की से जग गई, इनके साथ में एक लड़की थी, तो विश्वास नहीं हो रहा कि ये सिटी बड़ी है। फिर आखिरकार हमें एक जगह मिली है जिसे हम घर कह सकते हैं। ठंड से बचने के लिए हम सोच रहे हैं कि कैंप को एक रूम में ठीक वहाँ पे लगाया जाए। हम यहाँ आग जला सकते हैं, वहाँ पे दीवार बना सकते हैं, ये बड़ा कंफर्टेबल हो गया। माँ की कर हम बस मुश्किल ये है, आप पहले और चोर खाऊंगा, अरे चोर खाऊं था चोर। बारह एक बजे ही चल लेंगे। ठीक है। इधर आना, हमारा अभी का कैंप और हमारा पुराना सामान बहुत दूर है, उम्मीद है कि ये जगह सही रहेगी क्योंकि उसमें बहुत मेहनत लगेगी, क्योंकि सूरज ढल रहा था और
टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो रहा था तो हम पुराने कैंप की जगह पर गए और नया प्लेस बनाने के लिए सभी सामान को पैक किया। हम जा रहे हैं नए कैंप साइट पर, नई कैंप साइट पर। ओके, नया कैंप बनाने के लिए हमें बहुत सफाई करनी होगी। ये बहुत ही गंदी जगह लग रही है, पर जो भी हो, हमें बेहतर वेदर प्रूफ बेस ढूंढने के बाद हमने जितना हो सके उतना सामान यहाँ लाने की कोशिश की इससे पहले कि सूरज ढल जाए। कितना जल्दी सोच जरा बे, ऐसा कितने बजे सोए थे ये लोग? और क्योंकि अंधेरा बहुत जल्द हो गया, हम हमारा सभी सामान नए बेस पर नहीं ला पाए। हम बस ला पाए एक वाटर बैग, चिली के कुछ कैंस और कुछ पुराने गद्दे। हमारे पास बस इतना ही था। तुम सब लोगों को हमारा नया घर कैसा लगा? अच्छा है कि यहाँ पर हवा नहीं। देख, मैं एक ऐसे टैबलेट ना, इंटरनेट कैसे मिल रहा है तुम वहाँ पे? इंटरनेट नहीं, ऐसे कुछ काम क्यों मिल रहा है? ये जगह बहुत गर्म है चैनलर। क्या ये 7 दिन के चैलेंज का हमारा तीसरा दिन था और जागने के बाद हमने घूमना जारी रखा। संभल कर, ये सीढ़ियां काफी ज्यादा गहरी है। इन सभी सीढ़ियों में से सिर्फ 3 सीढ़ियां नॉर्मल है। वाओ, ये बीच तो बढ़िया है, बीच जैसी स्मेल आ रही है। क्योंकि ये एक बीच है, पानी कितना थोड़ा आगे, कितना क्लियर, क्या मस्त है। हां, एक एक गंदगी भी नहीं है। जाते ही एक अजीब सी चीज है, वहां कोई नजर आ रहा है। क्या कुछ चमकता नजर नहीं आ रहा वहाँ सीढ़ियों के पास? सही कहा यार, पहली रात में हम ग्लास बॉटल से मरते मरते बचे थे। सोच रहा हूँ कि वो बॉटल वहाँ से तो नहीं आई थी, और उस पर हमें एहसास हुआ कि हम इस अबैंडन्ड सिटी में सच में अकेले नहीं थे। और हमारे कैमरामैन ने इस मिस्टीरियस इंसान को ड्रोन पे देखते ही हमने वही किया जो कोई भी करता। चलो देख के आते हैं, छानबीन करते हैं। वो बिल्डिंग कमाल की, आखिर ये महल यहाँ इस विशाल होटल के बगल में क्यों? भाई क्या डर लग रहा है सैम दोस्त, बहुत सालों पहले ये होटल एक फर्स्ट क्लास महल यहाँ इस विशाल होटल के बगल में क्यों है? बहुत सालों पहले ये होटल एक फर्स्ट क्लास वेकेशन रिसोर्ट हुआ करता था, पर सालों के युद्ध ने इस खूबसूरत जगह को एक खंडरों की सिटी में बदल दिया। चलो अंदर चलते हैं। हमने खुद को ये कहाँ फंसा दिया? हमारे अंदर जाने से पहले कैमरामैन के अंदर जाने के लिए हम जरा भी नहीं रुकते। ओह, अंधेरा हो रहा है। सब लोग रुको रुको, ये देखो कैंडी। हमें अंदर जाना चाहिए, पहले मैं जाऊंगा। क्या लगता है ये फेस्टिवल बना रहे? ये क्या है, ये इंसल्ट कर रहे हैं? क्या लगता है फेस्टिवल बना रहे? ये तो टट्टी है, ये क्या, ये क्यों जाता है इंडिया के लिए? अबे भाई, और भयानक होते जा रहा है, शायद माफ को पहले जाना चाहिए। हॉलवे कितना लंबा है, और अगर हम यहाँ गिरते हैं तो मर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल मुमकिन है कि यहाँ अंदर कोई हो सकता है और अटैक कर सकता है। अगर किसी ने हमें यहाँ पे अटैक किया तो हम क्या करेंगे? हर कोई खुद को जो सबसे स्लो है वो मरेगा। ओ, वो रॉकिंग कैसी है? हेलो, अब मुझे डर लग रहा है गाइस, मैं बहुत डर रहा हूं। बाकी का दिन साथियों को ढूंढने में बिता दिया। अंधेरा शुरू होते ही हमने बस यही उम्मीद की कि वो हमें ढूंढने ना आ जाए, और अब जो अंधेरा हो चुका है तो हम इस चीज को यूज करते हैं। मुझे वो बिग बर्थ दो। थैंक यू, बिग बर्थ। बिल्डिंग अभी नजर नहीं आ रही, ये दुनिया की सबसे पावरफुल फ्लैश लाइट है। सबसे पावरफुल फ्लैश लाइट के साथ खेलने का मौका मिला, और इस सबने बुरी बात ये है कि अब अंधेरे में चलकर जाना पड़ेगा। बुरी टाइमिंग है, रात में यहाँ से चलकर जाना बहुत डरावना। हाँ, 1000% ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया खत्म हो चुकी है। हम ही चाहते थे कि हमारा मर्डर हो तो हम लोग कैंप में वापस चले गए। हम क्या फोन कहाँ पे चार्ज करेगा भैया? कैमरा की बैटरी 7 दिन तक चल जाएगी? इम्पॉसिबल, कुछ तो जुगाड़ होगा ना इनके पास। वापस आ गए, मैं आग जलाता हूँ, मुझे भूख लगी है। हमारे पास बस चिली ही बची है, और अभी बची कुछ सप्लाईज के साथ हम खाना बनाएंगे। कल अगर हमें टेबल और 7 चेयर्स मिलते हैं। क्या बोला? चिली क्या होता है? चिली, मैं भी सुन रही हूँ, कभी से चिली खाया, चिली खाया, चिली खाया बोल रहे हैं। मेरे आइटम हो गया, चिली ना होगा, चिली पोटेटो, चिली सॉस, चिली कुछ होता है ना सर?
मेरे दिमाग में भी हमेशा ब्रांड का भी नाम हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है, हो सकता है कुछ, बट सीधी सीधी बोल रहा है कि कैन में आया है, बट किसी का किसी ज्यादा हाथ से किसी की ज्यादा जरूरत है उसने के लिए हमारे पानी की बैग में पानी ही नहीं है। वो वहाँ पर है वहाँ पर जाने के लिए और 100 कैलोरीज। अब इसका क्या मतलब है, मतलब वहाँ पर तुम्हें जाना होगा, इसे मदद चाहिए होगी, वो अकेले उठा के नहीं ला पाएगा। तो माँ का चैनल गेट से सप्लाई लाने के लिए जहाँ से शुरू किया था उस जगह के लिए निकल गए। चैनलर और मैं पानी लाने के साइड मिशन पर हैं, ये मेन मिशन है। जब तक वो पानी लाते हैं हम खाली नहीं बैठना चाहते। नहीं चाहता कि हम खाली बैठे, तो हम अभी जाकर कुछ टेबल्स और चेयर्स ढूंढ रहे हैं। पर ज्यादा दूर जाने से पहले ही क्रिस का ध्यान भटक गया। हमें इसके बारे में कैसे पता नहीं चलेगा? अगर ये वीडियो लाइक रियल है तो यहाँ पर ये एमरजेंसी सीट नहीं है, यहाँ पर लोग रहते हैं, बाकी लोग भी रहते होंगे। साइकिल वाला कैसे हो सकता है अच्छा कंडीशन में? साइकिल का रेडी हो गए, हवा है, देख लेते हैं हवा भी है, साइकिल वर्किंग कंडीशन हो ही नहीं सकता। तो अपना घर का साइकिल पर एक साल के लिए छोड़ दे, नया साइकिल को ड्रॉप हो जाएगा, हवा निकल जाएगी और वर्किंग कंडीशन होगा ही, उसका स्क्रू ढीला हो जाएगा, ब्रेक लगेगा नहीं, धूल धूल हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा दिमाग चल रहा है इस लोंडे का, एकदम बिल्कुल साफ सुथरा है, और किसी मतलब किसी यूज के वहां पर लगा हुआ है। देखो मुझे साइकिल मिली, ये बहुत अच्छी बाइक दिख रही है, ये तुम्हें कहां पर मिली? वहां पर, ये अब तक की सबसे कूल बैलेंस सीट है। मजा आया तुम्हें? बहुत मजा आया। ओके मैं जा रहा हूं घूमने। अबे किसी ने रखी है वो, किसी की है, चोरी मत कर नुबड़े। ठीक है चलो चले, हम इसके अंदर से पानी निकालेंगे कैसे? ये बहुत भारी है। बात ये है कि ये जगह एक घर है और लोग उनके घरों में क्या रखते हैं? टेबल्स एंड चेयर्स। बिल्कुल सही, रुको वही रुको, ये देखो हिलना नहीं। ठीक है जिमी, जिमी ये एक चेयर है, मार्क बहुत स्ट्रॉन्ग है, थोड़ी मदद करो ये चैनल। ये पानी का बैग लगभग 100 पाउंड का है और मेरा दोस्त मार्क जो एक साइंस यूट्यूबर है, ये देख मार्क ऊपर 30 मिनट से देख, इसे आइडिया है कि इसे ऊपर से नीचे छोड़ते हैं, लेकिन कौन बोला भी साइंस का चैनल है? साला इसने बैग फाड़ दिया नुबड़ा। भाई खुशी मान, पानी के रस्सी के झटके में पानी को फोड़ के इसको नहीं खींचा नहीं, पानी गया वरना उसका चैनल सब्सक्राइब भी नहीं करता। हमारी रस्सी टूट गई, हमें एक मजबूत रस्सी चाहिए। मस्त जोक मारा रे अमित भाई ने, है तो ये नोबड़ा ही। अब जो देख रहे हो वो असली है, मार्क ने लगभग हमारा आधा पानी बर्बाद कर दिया। हमारे पास एक बुरी खबर है, जल्दी करो जल्दी करो, हमारी रस्सी टूट गई और सारा पानी जमीन पर बह गया। ये असल में एक बहुत बहुत सीरियस प्रॉब्लम थी। अरे नहीं ये क्या हो गया मार्क? प्लीज उसे उठा कर नहीं चलाना। और अब जो हमारा आधा पानी एक्चुअल में खत्म हो गया था, तो अब ये 7 दिन का चैलेंज पूरा करने का सिर्फ एक ही तरीका था। हम में से 2 लोगों को अभी घर जाना होगा, तो क्रिस और चैलेंजर ने सिटी छोड़ने का फैसला किया। और अब शायद मार्क और मैं इतनी रिसोर्सेज में 7 दिन यहाँ पर गुजार सकते हैं। सच कहूं तुम्हारे अलावा जिमी को यहाँ किसी और के साथ छोड़ने में बहुत डर लगता है, मैं सच कह रहा हूँ। तुम भी ना, पर उनके जाने से पहले हम पूरे गैंग के साथ एक आखिरी बार खाना खाना चाहते थे। किसे कहते हैं बढ़िया? ओह माय गॉड मेरे बाल। ये बताओ ये अमीर लोग ये व्हाइट व्हाइट कुछ खाते हो क्या है? बोल दो प्लेट में, तो इंस्टेंट प्लेट में व्हाइट व्हाइट, वो तो वो है ना मेकर, क्या बोलते हैं उसको, मियोनीज नहीं नहीं सॉरी उसको मार्शमेलो बोलते शायद। हां हमारे तो लोकल में मिलता है, मिलता नहीं पता नहीं, हमारे पर मिलता है लक्ष्मण रेखा बोल के, कॉकरोच मारने में काम आता है ऐसे है ना भाई साहब, मिलता है क्या? मिलता है ना, वही लग रहा है ना, मच्छर से खा जाता है, मर जाता है, उसे क्रश करते ही ऐसे लग रहा है, ये खा रहा है लक्ष्मण रेखा। सच में ये चॉकलेट बहुत बढ़िया लग रहा है। अगर आपने पहले कभी फिस्टिबल्स खाए हैं जो कुछ ऐसे दिखते हैं, तो आपने कभी फिस्टिबल्स खाए नहीं है। हमारे नए फॉर्मेट का टेस्ट बहुत ही बेहतर है। तो मेरा खाना तो हो गया, तो क्या मैं बोर्ड पर जा सकता हूँ? मैंने कोई सा भी नहीं खाया, मैंने सच्ची में कोई भी नहीं खाया, चॉकलेट ही नहीं खाता मैं। तो हमने बोर्ड को सिग्नल देने के लिए एक फ्लेयर लॉन्च किया जो बहुत ही कूल था। ऐसा होता है ना, गन देखा है, पूरे सिटी पर रोशनी डाल रहा है,
गर्व ही बात यह है कि सामने लाइट जो दिख रहा है ना वो है क्या, वो क्रूस है क्या? लोग ये तो क्रूस है, लेफ्ट साइड होगा राइट साइड होगा सिर्फ मार्क और मैं ही बचे हैं। मुझे बहुत अकेला लग रहा है दोस्तों, ये बनाई हमारा पहला दिन है पर हम खुद को संभाल लेंगे। हमारा आज का ऑब्जेक्टिव है हमारे शेल्टर को रेनोवेट करना। हम टॉप को लगाकर हमारे रूम को विंडप्रूफ करने वाले हैं। यहाँ पर एक फायर प्लेस लगाकर गर्मी बढ़ाने वाले हैं एंड चेयर और टेबल से इस जगह को घर जैसा बनाने वाले हैं। जिनसे मैं यहाँ 14 दिनों तक रह सकता हूँ। ये झूठ बोल रहा है। तो हमने आसपास की बिल्डिंग एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया ताकि थोड़ा फर्नीचर ढूंढा जा सके। और तभी हमें मिला ये बढ़िया सा शेल्फ, ये छोटा टेबल, एक बड़ा सा कारपेट और ये कोई मेटल की चीज जो हमारे कैमरामैन को मिली थी। ओह जरा इस चेयर को देखो, ये अभी काम की है। ब्रो ये तो कम्फर्टेबल है। ये देखो मुझे एक नकली टीवी मिला। अब ऐसा दिखा सकते हैं कि हमारे पास एक टीवी है, ये बढ़िया चीज है। वाओ वो सच में कमाल का है, जैसे एक आशीष वाला कोच यार। इस सिटी की हर एक बिल्डिंग की अपनी एक पर्सनालिटी है। पता है यहाँ पर ना वैसे सुनो एमवी बनता है और एमसी स्टैन रफ्तार वाला गाना गाते हैं ना, वैसा रैप सॉन्ग, इसके लिए परफेक्ट लोकेशन है ना। अरे भाई मस्त एकदम, वाओ पूरा शूट वूट कर सकते हैं। ये अगर ये सिटी मिस्टर हैकर को और क्या नाम है इस्तेमाल करके कंबाइन करके एक फायर प्लेस बना सकते हैं। वाओ ये एक असली वॉलपेपर है, हमारे पास वॉलपेपर है, इससे हम क्या कर सकते हैं? कमरे को घर बना सकते हैं। जिमी ऐसा लग रहा है कि हम लोग सब्जी खरीदने गए थे लेकिन 30 साल पुराना कचरा उठा कर लाए। हम घर आ गए, हमें ये सब चीजें मिली, अब हम सजावट करना शुरू करेंगे। अब हम सरवाइव नहीं कर रहे जिमी, फल फूल रहे हैं। बात तो सही है, हमने अगले 4 घंटे हमारे शेल्टर के कचरे को बाहर निकालने में लगा दिए और अब जो हम हाइड्रेटेड हो गए हैं तो अब ये रेनोवेशन पूरा कर सकते हैं। जब ये पूरा खत्म होगा तब ये सबैन सिटी का सबसे सुंदर कमरा होगा। नहीं तो घर में मेरे कमरे से भी अच्छा है। हमारा नया शेल्फ ये देखो, ये धूल दिख रही है। ओह माय गॉड ये कितना सैटिस्फाइंग है। अब ये शेल्फ साफ हो चुका है तो हम इसमें खाना रख सकते हैं। किसी वजह से हमारा आधा खाना सिर्फ चिली है और यहाँ पे किसी को चिली पसंद नहीं। ये है नॉन चिली रो, ये है चिली रो और ये हमारा फिशबल्स रो। ठीक यहाँ अब हमारे पास एक टेबल है सर्कल बॉर्डर रखने के लिए। ओके इससे बहुत सारी हवा ब्लॉक हो जाएगी। इस नए डोर के साथ हमने इस बड़े से टार्प को भी टांगा था जिससे हमारे फायर प्लेस की गर्मी शेल्टर के अंदर ही रहने वाली थी। और फिर काफी ठंडा जलाएगा, गर्मी कमरे में जाएगी और धुआं बाहर। ये बेहतरीन रेडनेक इंजीनियरिंग का कमाल है। आखिरकार बहुत देर तक ठंड झेलने के बाद माचिस लोग माचिस हम लोग इंजीनियरिंग का कमाल हमारे में क्या होता है। हमको माचिस का बारूद से उस इनके को जलाना होता है, लकड़ी को जलाना होता है। ये लोग उस बारूद इतना पावरफुल होता है कि बारूद से काम चल जाता है, समझ रहे? बारूद तो ऊपर से नीचे कोई बात नहीं, हमको तो बारूद के जरिए हम लोग उसको जलाते हैं ना लकड़ी को। तो हमको नीचे करना होता है, ऊपर तो नहीं होगा ना, बुझ जाएगा ग्रेविटी के नियम के करीब। आखिरकार बहुत देर तक ठंड झेल, उसका बारूद ऊपर है, उल्टा हो गया भाई। या तो ये लोग डरपोक हो गए, इंडियन लोग जिगरा डाले होते ना, उसका हाथ जल जाए क्या हो गया। हम तो बचपन में मोमबत्ती का होते ना गर्म गर्म, वो अपनी उंगली में गिराते थे। ठीक है बात, ठीक है जरा देखो तो हमारे पास अब आग है। मैं गर्मी को महसूस कर सकता हूँ। जिमी और मैंने इसे अबैंडन सिटी में बस कबाड़ से बनाया है। एनीवे अभी drinkcircle.com/release पे जाओ। ऐसा आग लग जराओ भाई, बहुत मस्त लगता है। ये दो कैमरे मैन इनके पास, ठीक है टीवी लगा ली उनने, तीन अभी एक बार तो इंस्टेंट कैमरा है। चला एक नहीं टीवी टीवी बोल रहा हूं, टीवी लगा ली। अच्छा हां तीन में टीवी से सिपका है और है हमारे बेड्स जो कि अभी छोटे हैं। कहो कि ये जीनियस नहीं है, ये हम आपका आईपैड इस टीवी फ्रेम में। ओ भाई दिमाग लगा भाई, बोल इन्होंने सब कुछ बना लिया, सब कुछ हो गया ऑलमोस्ट। हाँ टॉयलेट का ही बताओ, होगा ना कुछ सब कुछ दिखाएंगे भागता मुताबिक कहाँ दिखाएगा। फिर भी आते हो कितनी इम्पोर्टेंट चीज है ना, फिर भी दिखाना तो चाहिए कि यार है दिखाया नहीं यार, सही बोला तूने। हो सकता है बाद लोग हिंद मानते होंगे ना तो लोग स्किप कर देंगे, दिखाया नहीं होगा।
जिसमें हमने बचा हुआ खाना रखा है और एक गंदा टॉवल जो हम शेयर कर रहे हैं, इसे कहते हैं सर्वाइवल। पर जैसे हमारी पिछले दिन की रात अच्छी जा रही थी, हमने कार टूटने की आवाज सुनी। मार्क, मैं ठीक यहीं पर हूँ। वो क्या था? हमारा दिन कितना अच्छा जा रहा था। मुझे देखने के ऊपर कौन है, मैंने लगाने के लिए चाकू पकड़ा है। अगर तुम यहाँ पर हो तो बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। तुम मेरे साथ प्लान तो नहीं कर रहे? ब्रो, मैं कसम खाता हूँ वो मैं नहीं था। हेलो, ये क्या है? ब्रो, ओ माय गॉड, मुझे मालूम था ऐसा सिर्फ मार्क रोबर ही कर सकता है। ये सब क्या है? तुमने कसम खाई थी? इसने प्रैंक किया था। ये अंधा कितना चालू है यार भाई, तो मैं सोचा मैंने कैमरा भी लगा हुआ है वहां पर। मैं तो क्या था, दो तीन वो मिलके ना क्या बोलते कैमरा उनको मिलकर इसे लाइक फायर का वो करता है, आवाज निकल रहा था, इसे स्टडी फाड़ देता मुझे लगा कि मैं तुम पे भरोसा कर सकता हूँ। अब जो मार्क हमें प्रैंक नहीं कर रहा, हमने इसकी मशीन को थोड़ा सा बदल दिया। एक फीस दे दिस प्लीज, ये तुम ले लो। अब तुम्हारे लिए एक मुझे भी मिला, इस सच में कमाल है। सच बताओ तो मार्क को माफ करना बहुत आसान था, क्योंकि अब इस चैलेंज का सिर्फ एक दिन बचा था। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अबैंडन सिटी। बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, अंदर से कहीं ज्यादा। चलो वापस अंदर चल। भाई हम लोगों ने मिस्टर बीस्ट का सर्वाइविंग देखा और हमको भूलना नहीं चाहिए कि कैमरा ने भी सर्वाइव किया है। प्रसाद दे दो, उधर देखो, और अपने जॉब के साथ ही उनको भी तो क्रेडिट उतना ही जाएगा ना। उनको भी वो लोग और ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। देखो तो सही है, एक दो तीन यहीं पर चार पांच दिख रहे हैं। मिस्टर बीस्ट का सस्ता वीडियो, डोंट वरी। आज है छठे दिन की सुबह और हमने मेरे सौ रुपए से अच्छा आ गया भाई। हमने यहाँ पे जो भी किया है वो सच में कमाल है, और यहाँ 10 डिग्री ज्यादा गर्मी बढ़ी है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नींद भी बढ़िया आई। मार्क, हमारे आखिरी असली दिन पर शायद हमें थोड़े मजे करने चाहिए। आदमी इतने बड़ा हो जाए, दिल तो बच्चा है ना। सही बात है भाई, बिल्कुल सही। क्या हुआ है, काया के? मुझे पता है कि इसके साथ क्या करना चाहिए। अब कोई भी स्कूल में कायाकिंग कर सकता है। हाँ, तो मैंने सच्ची में बहुत मजे किए। बेसबॉल खेला, सॉकर भी खेला। वो क्रिकेट था ना। देख ये फर्क है, अमेरिका और इंडिया में क्या फर्क निकाल। देख इसने बोला हमने बेसबॉल खेला, हमने क्रिकेट टाइप का लगा। अब ये फुटबॉल खेल रहे हैं, मेरे को पता है सॉकर बोलेगा ना। मुझे काउंट करके खेलते कौन ज्यादा करेगा। बोलते सच कह रहा हूँ कि हम लोगों ने यहाँ पे इतने मजे किए कि दिमाग से निकल ही गया कि ये सिटी कितनी ज्यादा लोनली है। और चैलेंज के आखिरी दिन का वक्त आने पर कैंप को साफ करने के बाद हमारे दिमाग में बस एक ही चीज थी, ये इस जगह से जाकर फिर कभी वापस नहीं आना। ओ हेलीकॉप्टर आ गया। और भाई दिमाग का यूट्यूब चैनल हिंदी में भी अवेलेबल है, तो उसे भी पक्का चाहिए। भाई मार्क बढ़िया सा, हालांकि ऑलरेडी फेमस है। अच्छा भाई, अल्टीमेट में नोटिस करो ना, बाहर के देशों में एंगेजमेंट के लिए ना इंडिया यूज करते हैं। मतलब इंडिया से इनकम कम होता है बट रीच बहुत ज्यादा मिलता है। हिंदी में नए लोगों को नया कंटेंट मिलेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, उसका जेक पॉल बॉक्सिंग करता है, ठीक है। उसने कितना बॉक्सिंग किया, उसका फेम ना उधर बाहर के मार्केट में वो खराब है थोड़ा सा, तो उसको इंसल्टिंग कैरेक्टर करते हैं। बट अभी देखो इंस्टाग्राम में क्या बूम हो रहा है, क्योंकि इंडियन बॉक्सर को चैलेंज किया है, वो आके हार भी जाए जीत भी जाए, लोग गाली दे रहे हैं, उसको क्या पड़ता है, उसको हिंदी समझ में नहीं आती, वो तो धड़ल्ले से उसके इंस्टाग्राम में कमेंट देना। भाई क्या एंगेजमेंट बढ़ चुका है, लाइक देखना, रीच देखना। मुझे लगता है एंगेजमेंट के लिए यूज करते हैं, पता है हिंदी यूज करने का कारण क्या है ना, रीच ज्यादा मिलती है, भले पैसे कम मिलते हैं, इंडिया में पैसे कम है। अगर मिस्टर बीस्ट जितना इस वीडियो से कमाया ना इस एडसेंस से, इतना हम लोग का पूरा लाइफ टाइम इनकम होगा।
$500 में दो $300 मिलता है, और इंडिया में बैच के $10,000 व्यूज में भी $1 नहीं मिलता कभी भी। ट्वीट किया था कुछ दिन पहले उससे अपने ट्विटर का जो सब्सक्रिप्शन वीडियो वहाँ पर बोल रहा था कि इसके किसी एक वीडियो में इतना पैसा हुआ, तो मैंने कैलकुलेटर में देखा था 300-350 व्यूज पे उसके $1 बन रहे थे उस अकॉर्डिंग, इसके व्यूज और डॉलर के अकॉर्डिंग। और अमेरिका में इतना ज्यादा एडसेंस है, और नॉर्वे में तो और महंगा है, और इंडिया में साला 5,000-6,000-10,000 व्यूज में $1 बनता है। इंडिया में तो बिल्कुल सही में भी चिल्ले देते हैं यार यूट्यूब वाले भाई, ये तो है बहुत क्योंकि मैं यहाँ पर मिलता है, मैं खरीदता है, क्या पता मुझे 10,000 मिलता है, पर मिलता नहीं है अपने यहाँ इंडिया में वॉलमार्ट की है ना भाई। तो गाइस आई होप आप लोगों को आज वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको आज वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो मुझे भी और गेमिंग ब्रेक के चैनल को भी, और मेरे को भी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरे को भी करो यार, मैंने क्या भी काटा तुम लोग का।